ये कहानी नहीं है, आंध्र प्रदेश का मामड़गी गांव, विकलांग अनाथ और निरक्षर विद्या मड़गिरी दादी की मृत्यु के बाद हैदराबाद आई। वहां पेट पालने कई छोटे मोटे काम किए, गरीबी झेली, अपमान सहा, काम अधूरा और पैसे पूरे, पर हिम्मत ना हारी। एक कंप्यूटर क्लास में काम मिला, सफाई वो करती और दूसरे लोग आगे बढ़ जाते, पर विद्या पढ़ना लिखना जो नहीं जानती थी। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन ने पढ़ना सिखाया, लिखना सिखाया, विकलांगता के बावजूद जीवन में आगे बढ़ने के रास्ते खोल दिए, अपने पैरों पर खड़ा होना सिखाया। आज विद्या मड़गिरी किसी और द्वारा सफा किए हुए कंप्यूटर पर काम करती है और अब तो हमारी विद्या कंप्यूटर सिखाने लगेगी। पढ़ना लिखना सीख लिया तो जिंदगी को जीत लिया। ये कहानी नहीं है, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन। आंध्र प्रदेश के मामड़गी गांव की विकलांग अनाथ और निरक्षर विद्या मड़गिरी जिंदगी में आगे बढ़ने हैदराबाद आई। दाल रोटी के जुगाड़ में गरीबी झेली, अपमान सहा, कंप्यूटर क्लास में भी सफाई का ही काम मिला, पर राष्ट्रीय साक्षरता मिशन ने पढ़ना लिखना सिखाया, विकलांगता के बावजूद जीवन में आगे बढ़ने के रास्ते खोल दिए। अब तो हमारी विद्या कंप्यूटर सिखाने लगेगी। ये कहानी नहीं है, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन।